आपको वो निमंत्रण पत्र अपने टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा जो तमाम मेहमानों को भेजा जा रहा है। ये आप वो निमंत्रण पत्र अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का एक्सक्लूसिव निमंत्रण पत्र आपको टीवी स्क्रीन पर उसकी एक्सक्लूसिव झलक दिखाई दे रही है। 9 जून 2024 को सायकाल 7:15 पर प्रार्थनीय है, ये आप देख सकते हैं। ये वही निमंत्रण पत्र है जो तमाम वीआईपी मेहमानों को भेजा जा रहा है। इस कार्यक्रम में विदेश से आए मेहमान भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और 9 जून शाम 7:15 शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके लिए यही इनविटेशन सभी को भेजा जा रहा है। तो तमाम वो लोग जिन्हें शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इसकी पहली झलक न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। विदेश से आए कौन कौन मेहमान हैं? रानिल विक्रम सिंघे हैं, राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, जो इस समारोह में शामिल होंगे। पुष्प कुमार डहल है, पीएम है नेपाल के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना बांग्लादेश की से वो यहां पहुंच गई हैं, ये आपको टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रही है जिस समय उनका वहां पर स्वागत किया गया। प्रवीण जगन्नाथ मॉरिशस के पीएम, वो भी पहुंच चुके हैं। मोहम्मद मुइजू मॉरिशस के राष्ट्रपति, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुकी हैं। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो कल तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वहीं अब मंत्रिमंडल पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। शुक्रवार देर रात जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज हो गई हैं। 7,000 से 8,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें विदेशी मेहमान और देश की बड़ी हस्तियां शामिल हैं। कल शाम 7:15 तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। इससे पहले 2014 और 2019 में वो, 14 की बात करें तो पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, 2019 में दूसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और अब तीसरी बार 2024 में वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार सत्ता संभालने जा रहे हैं। तो कल क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। कर्तव्य पथ से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। नौ जून की तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि उस दिन लगातार ये तीसरी बार ये प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री पद के लिए जिस तरह से पिछले काफी समय से तमाम अपने घटक जो एनडीए के जो घटक दल है उनसे लगातार बातचीत चल रही थी, और तमाम जो कहा जा सकता है कि उसकी तैयारियां हो चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब शामिल हो गए, तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन के आसपास यहाँ पर देखा जा सकता है सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ाया गया है। और इस वक्त पर मैं
जो संसद भवन के आसपास का जो इलाका है, जो कर्तव्य पथ का इलाका है, वह इस इलाके में है। और इस इलाके में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अतिरिक्त जवानों को तैनात किया जा रहा है। ये जो इलाका है, पूरा नई दिल्ली का जो इलाका है, इसे नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यानी कि इस इलाके में बिना इजाजत कोई ना फ्लाई कोई कर सकता है, ना ही कोई ड्रोन उड़ा सकता है, ना ही किसी भी तरह का संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में कर सकता है। इसके साथ ही इस नई दिल्ली रेंज में कई जो होटल्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं, उस होटल्स में भी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर काफी चाक चौबंद किया गया है। क्योंकि कई जो विदेश से आ रहे हैं जो मेहमान है, इसके साथ साथ जो तमाम जो सांसद हैं, उनको अलग अलग होटल में ठहराया गया है। तो उस होटल के अंदर और होटल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ जो नई दिल्ली इलाके में चाहे बात करें दिल्ली पुलिस की, बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेस की, बात करें या अन्य एजेंसियों की बात करें, तो वहां पर उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि इस इलाके में कोई भी संदिग्ध अगर कार्रवाई होती है तो तत्काल उस मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इस मामले पर भी खास नजर होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर तैयारी की जा रही है, उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। तो वही सीहोर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी उत्साह का माहौल है। चंदेरी गांव के किसानों ने अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए डांडे नृत्य किया। गांव वालों ने ढोल ताशों की थाप पर जमकर नृत्य किया। गांव वालों ने कल होने वाले नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान भी डांडिया नृत्य का कार्यक्रम रखा है। तो यहां पर ये गांव वाले खुश हैं इस बात से कि देश में तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी कर दी है। केंद्र सरकार को परियोजना के लिए खर्च होने वाली राशि का 90% देना था, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। अब एमपी और यूपी सरकार को इसके लिए अपने अपने हिस्से की 5-5% राशि जारी करनी है। केंद्र सरकार की तरफ से राशि जारी करने के बाद मैदानी हिस्सों में परियोजना का काम शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जुलाई में परियोजना के शिलान्यास की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद मध्य प्रदेश यूपी दोनों ही प्रदेशों के बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, यहां रकम जो जरूरी चाहिए थी इस परियोजना के लिए वो सरकार की ओर से रिलीज कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए बड़ी जो एक सौगात जो है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लिए से कहा जा सकता है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये इस योजना को प्रस्तावित किया गया था और उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो, लगातार इस दिशा में प्रयासरत थी कि किसी तरीके से केन बेतवा परियोजना को की जो राशि है वो आवंटित हो जाए और ये अपने मूर्त रूप ले सके। और देखिए अब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस परियोजना के लिए 45,000 करोड़ रुपए की एक राशि जो है वो आवंटित कर दी है। उसके बाद अब मैदानी अमला जो है उस योजना जो परियोजना है उसको कैसे जमीन पर उतारना है इसको लेकर काम करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि तमाम सर्वे जो है वो पहले हो चुके हैं और देखिए इस सबसे बड़ी ये बात यह है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड जो भारत का सबसे सूखा इलाका कहा जाता है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ये दोनों ही प्रदेश के ये इलाके हैं, चाहे वह टीकमगढ़ सागर पन्ना दमोह की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश का बांदा हमीरपुर, ये पूरा इलाका है, ये इस पूरे इलाके में पेयजल सुविधा हो, सिंचाई की सुविधा हो, इसको सुचारू रूप से यानी व्यवस्थित तौर पर करने के लिए इस योजना की आधारशिला रखी गई थी। और अब जो ये 45,000 करोड़ रुपए की राशि इसको आवंटित कर दी गई, बताया जा रहा है कि 90% राशि जो है इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार देगी और जो बाकी की 10% राशि उसमें 5% राशि मध्य प्रदेश सरकार और 5% राशि प्रदेश के कई जिलों को उसका फायदा पहुंचेगा। शैलेंद्र, बिल्कुल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो वहीं एमपी बीजेपी के 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ओडिशा में सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इनमें विश्वास सारंग
सिंह शामिल हैं, आलोक शर्मा हैं, लोकेंद्र पाराशर हैं जिन्हें इस जिम्मेदारी दी गई है। तीनों ही नेता सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शपथ ग्रहण में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। तीनों को तत्काल ही ओडिशा जाने के निर्देश मिले हैं। आज शाम ओडिशा ये तीनों ही नेता पहुंचेंगे। लोकेंद्र पाराशर, आलोक शर्मा, विश्वास सारंग ओडिशा में बीजेपी की सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग का फरमान, मंत्री जी से सीधे ना मिले प्रोफेसर और स्टाफ। इंदर सिंह परमार से प्रोफेसर और स्टाफ सीधा ना मिले, सभी प्राचार्यों को यह सर्कुलर भेजा गया है। मुलाकात के लिए एचओडी की अनुमति जरूरी है, बिना अनुमति मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री जी से जो स्टाफ है, प्रोफेसर है, वो सीधा ना मिले, ये सर्कुलर भेजा गया है। तो एचओडी की परमिशन जरूरी है मुलाकात के लिए, अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये सर्कुलर जो भेजा गया सभी प्राचार्यों को, अगर किसी प्रोफेसर स्टाफ को एचओडी से ही दिक्कत होगी तो फिर वो उसकी अनुमति कैसे लेगा, इसका मतलब क्या है सर्कुलर का? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि देखिए बहुत सारा स्टाफ जो है वो सीधे जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनसे जाकर मुलाकात कर रहा था, और खासकर स्थानांतरण को लेकर, अपनी मनचाही जगह पोस्टिंग को लेकर, इसके अलावा जो विभागीय जांचें चल रही हैं उसको लेकर जो है वो सीधे तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री से मिल रहा था। और इसकी जानकारी जब उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को लगी तो उसके बाद सारे कॉलेजों के प्रोफेसर जो प्राचार्य हैं उनको ये सर्कुलर जारी कर दिया गया, और साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी स्टाफ, चाहे वह शैक्षणिक का जो स्टाफ हो यानी प्रोफेसर हो या फिर जो है वो गैर शैक्षणिक स्टाफ हो, कॉलेज का कोई भी अन्य स्टाफ जो है वो सीधे तौर पर अब उच्च शिक्षा मंत्री से अपनी समस्या लेकर मिलने नहीं जाएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पहले उसको एचओडी को बताना होगा, और एचओडी जब स्वीकृति देंगे उसके बाद जो है वो उनसे मिल सकेगा, या फिर ये कहें कि विभाग की तरफ से पत्र भेजा जाएगा, चाहे वह ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो, विभागीय जांच को लेकर हो, या अन्य जो कोई अगर आपको आवश्यक काम है। तो निश्चित तौर पर देखिए लगातार जो चीजें देखने को मिली तो उसके बाद ये निर्णय लिया, और आपने बिल्कुल ठीक बात कही है कि यदि एचओडी या जो उनके जो वरिष्ठ जो अधिकारी हैं अगर उनसे दिक्कत होती है और उन्हीं से अगर आपको परमिशन लेनी है तो ऐसे में उन प्रोफेसर गैर शैक्षणिक जो स्टाफ है उसके लिए ये आदेश परेशानी का सबब जरूर बन सकता है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में मेंटेन करने के लिए सर्कुलर दिया गया है, सर्कुलर के बाद अब क्या रिएक्शन होता है देखना होगा। शैलेंद्र बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं भोपाल के वीआईपी रोड पर स्टंटबाजी की गई है, जहां चलती कार पर सवार होकर डांस किया गया है, शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर यह स्टंट किया गया है। तेज रफ्तार कार की छत पर युवा चढ़े हुए हैं। देर रात 3 बजे का यह वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, भोपाल की वीआईपी रोड है, जहां पर देखिए किस तरह से कार की खिड़की से बाहर निकले हुए हैं, कार की छत पर चढ़े हुए हैं, लगातार नाच रहे हैं, शराब के नशे में धुत हैं। वीडियो ये सामने आया है जो अब वायरल भी है। अगली खबर इंदौर से है, जहां क्राइम ब्रांच की टीम का होटल में छापा है। जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को पकड़ा गया है। होटल में किराए का कमरा लेकर यहां पर जुआ चल रहा था। 1.5 लाख रुपए कैश और एक मोबाइल भी यहां से मिला है। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने होटल में छापा मारा, यहां पर 10 लोग जुआ खेल रहे थे, इन जुआरियों को पकड़ा है। होटल में किराए का कमरा लेकर यहां पर जुआ खेला जा रहा था। 1.5 लाख रुपए कैश मिला है और मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। अगली खबर दमोह से है, जहां रेलवे स्टेशन पर मासूम की हत्या कर दी गई। युवक ने